गाइस वेलकम टू टुडेज़ जो हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना। बात कर रहे हैं अक्षय कुमार के द्वारा लाए गए एक नए ऐप के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने पबजी यानी कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड गेम को बैन कर दिया है, और इसके बैन करने के बाद अक्षय कुमार ने आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देते हुए एक नए गेम के लॉन्च की घोषणा कर दी है जिसका नाम है फौजी। शुक्रवार को शाम ट्वीट करके उन्होंने इस गेम के बारे में जानकारी दी है। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन को सपोर्ट करते हुए इस एक्शन गेम को पेश कर रहा हूं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आपको बता दें, इस गेम का नाम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड फौजी होने वाला है। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके मनोरंजन के साथ साथ आप जवानों के द्वारा किए गए बलिदान को भी सीख पाएंगे। तो अक्षय कुमार ने एक बहुत बड़ी मुहिम जो है वो चालू की है जिसे दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। खेल पबजी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर था और उसके बाद फौजी गेम अगर आएगा तो सोचिए ये गेम कितना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। आपको बता दें कि खेल के द्वारा उनकी कुल कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर पोर्टल को जाएगा। आपको बता दें कि कुछ साल पहले अक्षय कुमार ने भारत के वीर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धनराशि को भारत के शहीद जवानों के परिवारों को डोनेट कर सकता है। अक्षय कुमार वैसे भी आर्मी के सपोर्ट में हमेशा नजर आते हैं। उनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।